तो सबसे पहले अल्ट्रा फाइन शुगर, अल्ट्रा फाइन शुगर ग्रेन्यूल फॉर्म में होती है, राइट? ग्रेन्यूल फॉर्म में होगी, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग इसका किसका टाइप देख रहे हैं, ग्रेन्यूलेटेड शुगर का। तो ग्रेन्यूलेटेड शुगर कौन से फॉर्म में होगी? ग्रेन्यूल फॉर्म में, जिसको हम फील कर सकते हैं पकड़ के, जो हमारी रेगुलर शुगर है जो हम कुकिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट्स बनाने के लिए, है ना, अपने स्वीट्स आइटम बनाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए जो शुगर यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेन्यूलेटेड शुगर। जो सबसे ज्यादा बेकरी में यूज की जाती है, हर एक चीज के लिए, तुमको बिस्किट बनाना है, तुमको केक बनाना है, तुमको जो भी बनाना है, कुकीज बनाना है, हर एक चीज बनाना है, हर एक चीज के लिए हमको आइसिंग शुगर यूज की जाती है। सबसे पहले हम लोग वैरायटीज ऑफ आइसिंग शुगर में देखेंगे, अल्ट्रा फाइन शुगर, देन सेकेंड फाइन शुगर, सॉरी वेरी फाइन शुगर, देन फाइन शुगर। सेम जैसे हम लोगों ने यहाँ पे थ्री कैटेगरीज देखी, सेम आइसिंग शुगर की यहाँ पे भी सेम कैटेगरी है। थोड़ा सा जैसे पाउडर आइसिंग शुगर मीन्स पाउडर शुगर, राइट? थोड़ी कम फाइन होगी, फिर ज्यादा होगी, तो ऐसे करके इसको कैटेगराइज किया गया है। अल्ट्रा फाइन शुगर किसमें यूज होगी? केक मिक्सिंग, है ना, बिस्किट्स, कुकीज, ये सारी चीजों के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ब्राउन शुगर यूज करते हैं या मस्कावेडो शुगर यूज करते हैं, ठीक है? उसके बिना हमारी रेसिपी कंप्लीट नहीं हो सकती है, क्योंकि जो शुगर जिस चीज में दी हुई है वो ही हमें यूज करनी है। अगर मान लो हमारी केक की रेसिपी है, अगर उसमें पाउडर शुगर दी हुई है, तो तुम लोग ग्रेनुलेटेड शुगर यूज कर सकते हो क्या? नहीं। क्या होगा? उसके क्रिस्टल्स अलग दिखेंगे, जब केक बेक होके आएंगे बाहर, तो उसके क्रिस्टल्स क्या होंगे हमें दिखाई पड़ेंगे। और अभी हम लोगों ने ये फोर टाइप्स के देखे कि कौन कौन से शुगर हम लोग यूज करते हैं। अभी हम लोग फिफ्थ देखेंगे, लिक्विड शुगर। Write down liquid sugar.